ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। आप पिछे जे एक उद्यम वाले विचार लॉग शायद परपज़ के टॉपिक में थोड़ा जि छुया सी, उस टॉपिक में अज थोड़ा जि अगे लैके चलते हैं तो पोटेंशियल की गल करते हैं कि किवें असीम पोटेंशियल के मालिक इंसान नूं परमात्मा ने अपने अंश नूं इस दुनिया ते घल्लिया ते असी किवें उस पोटेंशियल नूं एक्सप्लोर करके हाईएस्ट परपज़ ऑफ लाइफ नूं अचीव करन दे राह ते तुरदे होए अपने जीवन नूं सोहना बनाउणा ते जीवन जी के इस संसार तो जाना। तुसीं शायद हो भिखारी वाली एक स्टोरी सुनी होवे जिहदे विच इक भिखारी रोज़ पैसे मंग के 2-4-5-10 रुपये दिन दे बना के अपना गुजारा करदा सी। उसदे कोल होर कोई समान तां नहीं सी सिवाय एक बक्से दे जिहदे बैठ के ओह भीख मंगदा सी। इस तरह भीख मंगदिआं मंगदिआं कई हफ्ते महीने साल गुजर गए ते ओह भिखारी हौली हौली जवान तो बुजुर्ग हो गया। तो उस रस्ते चों फिर एक दिन एक बहुत विवेकी सज्जन निकलिया जेड़ा कि शायद बक्से का मालक सी जिहदे ते बैठ के भीख मंगया करता सी भिखारी। उसने उसनूं पूछया कि तेरी सारी उम्र निकल गई है इस बक्से ते भीख मंगदे आ, तैनूं बहुत साल पहला जिसने इन्हें बक्सा दिता सी वो मैं ही सी, ते कदी तूं इस बक्से नूं खोल के देखिया? उसने नां दे विच सिर हिलाया कि नहीं, मैं तो सिर्फ इसनूं एज अ जिद्दां मूड़े दे तौर पर वरतना, तो मैं तो भीख मंग के गुजारा किया सारी उम्र। तो उसने कहा कि चल आ जा आपां खोल के देखिए। जिसनों जदों उसनूं खोल के देखिया तो उहदे विच बेअंत माया, सोना, गहने गट्टे, हीरे जवाहरात, काफ़ी कुछ निकलिया। तो भिखारी देख के हैरान परेशान कि मैं सारी उम्र बस इहदे ते बैठ के भीख ही मंगदा रहा, जे मैं पहलां किते खोल लैंदा मेरियां 7 पुश्तां की जिंदगी बदल जाती। सो कहानी तो सिक्ख्या ये लैनी बनती है कि किवें परमात्मा ने सानू ये मनुखा जीवन दिता, कितना कीमती बेशकीमती हरेक साह जिहड़ा असीं लै रहे हैं, पर असीं बिना पोटेंशियल नूं एक्सप्लोर किते, बिना तरक्की किते, तन दे लैवल ते ही जी के अपना जीवन गुजार दिंदे आ। किवें असीं तन दे लैवल तो भाव कि जिवें खाना पीना, हसना सौना ते बच्चे पैदा करने, घर परिवार लई सारी उम्र लई असीं काम करदे हां, बस अपणियां तन दीआं लोड़ां, तन दे लैवल दीआं लोड़ां नूं पूरीआं करके असीं जिंदगी जीउ के चले जांदे हां। पर मन दे लैवल ते जीण वाले विरले हुंदे ने, बहुत घट हुंदे ने। असीं मन दे लैवल ते नहीं जीवे जां जी रहे। इस तो भाव मेरा है कि जिवें तुसीं देखो कि गाईआं, मज्झियां जां होर जिहड़े जानवर हन, घोड़ा, खोता, सब का पोटेंशियल लिमिटेड है। सब का पता है कि ये वध तो वध यही कर सकता है, इसकी इन्नी उम्र होएगी, इन्ना कि गां ने सानू दुध दे देना है, जां बैल ने जिहड़ा है हल जोत देना है, जां खोते ने इन्ना क भार चक लेना है, जां कुत्ते ने साडे घर की रखवाली कर देनी है, इसनूं ट्रेन किया जा सकता है, इसदा पोटेंशियल इन्ना है। पर जिन्ना पोटेंशियल लैके एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान पैदा होंदा ना, इन्ना कोई भी नहीं होंदा। सब तो ज़्यादा पोटेंशियल ह्यूमन, क्योंकि ये सतगुर ने परमात्मा ने सानू दिमाग बख्श के घल्लिया, मन बख्श के, मन जिहड़ा कि असीम ताकतां जिहदे विच छुपियां हन। मन दे लैवल ते जीना जिस दी आपां गल करदे हां, ओह इह कि मन नूं साधन दी गल करनी। जिहड़ा मन नूं साधन दी गल करदा ओह सैल्फ इंप्रूवमेंट, सैल्फ रिफाइनमेंट, सैल्फ डिवैलपमेंट दी गल करेगा, पंजां नूं काबू करन दी गल करेगा, किवें असीं कल नालों अज बेहतर होना, किवें असीं इंटलैक्चुअली किवें ग्रो करना, विवेक बुद्ध दे दाते सतगुर तों किवें ज्ञान लैंदे लैंदे सिखदे असीं अपना इंटलैक्ट ग्रो करना, फिजिकली किवें असीं सेहतमंद किवें रखना, स्पिरिचुअली किवें असीं तरक्की करनी है, उहदे बारे सोचना। ये मन दे लैवल ते जीण वालीआं गल्लां, मन नूं एक्सप्लोर करना जो अपना पोटेंशियल है। तो वह फिर इस कॉन्सैप्ट नूं जिहड़ा कि असीं पहलां गल करदे हां कि द हाईएस्ट परपज़ ऑफ आवर लाइफ, उस दे विच किवें सारे परपज़ आ जांदे ने, क्योंकि असीं ये सारियां चीज़ां करदे करदे जीवन दे हरेक पहलू नूं वधिया बनाउंदे बनाउंदे इवेंचुअली असीं फिर परमात्मा के भेद होना जो साडा अल्टीमेट गोल है उसनों अचीव कर सकते हैं। हुण इस कॉन्सैप्ट नूं फिर हरेक पहलू दे विच लागू करन तों भाव यह है कि तुसीं काम करदे तरक्की करनी है, घर दे विच बाहर भी, घर दे विच भी, हरेक पहलू दे विच तरक्की करनी है, फाइनैंशली, इमोशनली, इंटलैक्चुअली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, ये सारिया चीज़ों दे विच अपनी समझ नूं दिन ब दिन होर वधिया तो वधिया करते रहना। तो जदों असीं करते रहांगे तां अखीर दे विच इस जीवन में वधिया तरीके दे नाल जीऊ के असीं परमात्मा दे विच अपेद होवांगे। तो पोटैंशियल तो बहुत है साडे दे विच, असीं जो चाहिए असीं कर सकते हैं, पर असीं नहीं करते, असीं सिर्फ थोड़े दे नाल सैटल हो जाने हैं, कंफर्ट जोन नूं असीं पहल दिंने हैं। इस करके ही शायद असीं फिर तन दे लैवल ते जी के इस दुनिया तो चल जाते हैं। तो कुछ खास सिर्फ इन्हां चीज़ों नूं जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है इन्हूं ही अपना अचीवमेंट समझ के असीं शायद समझते हैं कि बहुत कुछ कर लिया अपनी जिंदगी दे विच, जद कि साडा मनोरथ, साडा परपस सिर्फ अपने आप तो इलावा उस तो अगे सोचण दी गल, मन नूं साधन दी गल, फिर मन नूं साध के सिर्फ अपने लिए ना जींदे होए बाकियां लिए जीण दी गल, ते इहदे उत्ते खड़ा सी। सो परमात्मा मेहर करे, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाणिए, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।